हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके ही यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दो वीडियो आ चुकी है। यहाँ पर एक वीडियो पेनी स्टॉक से रिलेटेड है, जहाँ पर इवेक्सिया लाइफ केयर एक शेयर है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ यहाँ पर कैंडल चेंज होती हुई नजर आ रही है। अपर सर्किट आज लगता हुआ दिखाई दे रहा है, बट अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला शेयर अभी तक नजर नहीं आया है कि इस तरीके का शेयर है। शायद आपको मंडे को मौका मिल सकता है, तो यहाँ पर इस शेयर की तरफ नजरें बनाइएगा। टेक्निकल और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखा करें ताकि चीजें समझ में आए कि किस बेसिस पे लिया गया है और कहाँ तक ये जा सकता है, और मेरी क्या स्ट्रेटेजी है और आप अपनी स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से क्या रख सकते हैं। इसी हिसाब से आईटी स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स में का रिव्यू किया गया है। निफ्टी आईटी का इनमें ये सारे के सारे स्टॉक्स और इससे भी ज्यादा स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस उससे रिलेटेड बातें करी है, और जब रैली आएगी तो किस तरीके से रैली आ सकती है उससे रिलेटेड बातें करी है। तो यहाँ पर इन दो वीडियो को देख लीजिएगा, बाकी डेली वाइज वीडियो बनाती है उन्हें देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉस्चिफ टेक्नोलॉजी, ऐसी स्टॉक से रिलेटेड जो कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर में काम करता है। अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा था कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर का क्राइसिस होता हुआ दिखाई दिया था अराउंड द वर्ल्ड, और जिसकी वजह से इंडिया में भी प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दी थी। बट इंडिया में एक कंपनी है मॉस्चिफ टेक्नोलॉजी, जो कि ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ मिलकर ये डिजाइन करती हुई दिखाई देती है, तो इससे रिलेटेड बातें करेंगे। एक बेहतरीन रैली के बाद दोबारा यहाँ पर ये शेयर जंप लगा के दिखा सकता है, क्यों उससे रिलेटेड बातें करेंगे, क्यों ये शेयर चूज किया जा रहा है उसके रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा, आपने बहुत सपोर्ट किया है हमारे इस चैनल को अभी तक, और इस बार तो आप और भी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बट ये सपोर्ट मुझे और आपसे चाहिए। आप जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, क्यों? क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो ये वीडियोस आगे जाएंगी तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली मैं और बेहतरीन वीडियो आपके लिए एक से एक ऐसे ऐसे शेयर लेके आऊंगा जो आपने यहाँ पर सुने भी नहीं होंगे, और डेफिनेटली उनमें हम इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमाएंगे। जैसे कि एवेक्सिया लाइफ केयर शायद आपने नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था, बट अभी इन्वेस्ट किया है, देखा है तो यहाँ पर इन्वेस्ट भी किया है। इसी तरीके के मॉस्चिप यहाँ पर एक शेयर यहाँ पर नजर आता है, एक बेहतरीन रैली हो चुकी है, रैली के बाद गिरावट हो चुकी है। अगेन इस शेयर को यहाँ पर आज मैंने एक्युमुलेट किया है, क्यों एक्युमुलेट किया है उससे पीछे का रीजन है, तो इसलिए आप सपोर्ट करिए जितना हो सके, हमें यहाँ पर अपना सपोर्ट दीजिए और ये पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मॉस्चिप से रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि बिजनेस जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए, लिमिटेड इज सेमीकंडक्टर एंड सिस्टम डिजाइन कंपनी है, एंड विद फोकस ऑन द टर्निंग एसिक्स मिक्स सिग्नल आईपी सेमीकंडक्टर एंड प्रोडक्ट इंजीनियर एंड आईओटी सॉल्यूशन कैटरिंग टू एयर स्पेस एंड डिफेंस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोटिव मेडिकल एंड नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो आपको पता ही है भारत में अलग अलग कंपनी जब सेमीकंडक्टर की ओर तरफ ध्यान दे रही है, ओके, वेदांता भी लगभग 60 बिलियन आई एम नॉट रॉन्ग 60,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट कर रही है। द कंपनी ऑफर्स टर्नकी एनालॉग डिजिटल एंड मिक्स सिग्नल ASIC एंड IP डिजाइन सर्विस and has emerged as a leading semiconductor design service company providing various services to clients and globally. यहाँ पर ये अपने clients को semiconductor में यहाँ पर service देती हुई नजर आती है। सिस्टम की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन सर्विसेज एंड प्रोवाइड एम्बेडेड प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करती है विद फॉर वेरियस डोमेन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है, जैसे कि डेवलप्स M2M IoT सॉल्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बिल्डिंग होम ऑटोमेशन से रिलेटेड। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें, 2021 में सेमीकंडक्टर सर्विस एंड प्रोडक्ट से लगभग इनका 86% ऑफ रेवेन्यू आता हुआ दिखाई दिया था। रिमेनिंग अगर बात करें एम्बेडेड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट अकाउंट से आता हुआ दिखाई दिया था। इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करें, ये कंपनी है सिग्निफिकेंट बिजनेस फॉर फ्रॉम एक्सपोर्ट कंट्रीज, मतलब एक्सपोर्ट करके डिफरेंट कंट्रीज में अपने सर्विसेज को अच्छा पैसा कमाती है, जिसमें 58% रेवेन्यू इंक्लूड है, और 56% जो कि यहाँ पर 2020 में, तो कहीं ना कहीं इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी शेयर कैपिटल की बात करें, कंडक्टेड स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन अंडर विच इट रिड्यूस द फेस वैल्यू ऑफ द यहाँ पर जो ये दे रखा है, बाकी एक चीजें कोई देखने वाली नहीं है। अब कंपनी के बारे में जानने के लिए आपको एक बार इनकी वेबसाइट को विजिट करिएगा। तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड न्यूज है वो देखिए, ये आपको पता चल जाएगी IoT सिस्टम आर सॉल्यूशन ये किस तरीके से एक कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है, और एक बार इस चीज को जरूर पढ़ लीजिएगा जिस तरीके से यहाँ पर लिख रखा है सेमीकंडक्टर IP डिजिटल IP से रिलेटेड यहाँ पर, और वेरिफिकेशन IPs और मिक्स IP से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर एक एक चीज जाके
पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देगी, समझ में आएगी, और यहाँ पर आप इन्वेस्ट करने की उसके बाद सोच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की। हमने बिजनेस मॉडल समझा कि कंपनी चिप्स से रिलेटेड काम करती है, कंपनी आईटी में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है और एक्सपोर्ट भी करती है अपनी सर्विसेज को, तो यहाँ पर कंपनी अच्छी खासी है। इसके अलावा यहाँ पर अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, 1036 करोड़ रुपीज का मार्केट कैप है, तो इसमें अगर जंप इस तरीके से है तो गिरावट भी इसी तरीके से होगी, जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। पी 161 का है, इंडस्ट्री पी 30 का है, तो कहीं ना कहीं महंगा नहीं बहुत महंगा यहाँ पर शेयर नजर आता है। 4 रुपए की बुक वैल्यू है, 64 रुपए पे ये शेयर चल रहा है और 101 रुपए तक यहाँ पर गया था, यहाँ पर महंगा दिखाई देता है। आरओसी आरओई ना ज्यादा बेकार है ना ज्यादा अच्छे है, 12 और 10% के आसपास के, 2 का फेस वैल्यू है, इंट्रेंसिक वैल्यू 9 के आसपास की है कंपनी की, और यहाँ पर डेट की बात करें तो लगभग 103% का यहाँ पर कंपनी के पास डेट भी नजर आता है, 100% के आसपास कंपनी डेट है। चार्ट देखें तो चार्ट कुछ खास नहीं है, ओके शेयर पहले जब आया था यहाँ पर भागा, उसके बाद बीच बीच में हर्डल्स दे के ऊपर गया, फिर नीचे गया, फाइनली नीचे गया, फिर भागा, फिर नीचे आया, फिर भाग रहा है, फिर नीचे आके फिर यहाँ पर शायद भागता हुआ दिखाई दे सकता है। 5 साल की बात करें तो लगभग 100% के CAGR से यहाँ पर ग्रोथ करी है, जो कि एक बेहतरीन ग्रोथ यहाँ पर नजर आती है। बट यहाँ पर इस शेयर को चूज करने के पीछे क्या रीजन है, वो है इसके रिजल्ट। सेल्स की बात करें तो कंपनी के सेल्स देखिए यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इस क्वार्टर में सेल्स की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे सेल्स यहाँ पर कम हुई है, बट ईयरली बेसिस पे बात करें अच्छी सेल्स होती हुई दिखाई दी है। एक्सपेंसेस की बात करें कंपनी के एक्सपेंसेस भी इसी हिसाब से हुए हैं, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 6 करोड़ 14 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। एक क्वार्टर पहले 6 करोड़ 20 लाख का था और एक साल पहले 3 करोड़ 28 लाख का, तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में अच्छा है। बट मार्जिन की बात करें तो मार्जिन क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली दोनों बेहतर चीजों में यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, जो कि 60.41% है। तो यहाँ पर जब मार्जिन अच्छा आ जाता है ना, तो याद रखिए शेयर कहीं ना कहीं कोशिश करता है भागने की, जो कि आज इसने ट्राई भी किया था। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट ओके यहाँ पर कम होता हुआ इनका दिखाई दे रहा है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर कम है, बट ईयरली बेसिस पे घाटे से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। और हमेशा कंपैरिजन क्वार्टरली बेसिस पे नहीं ईयरली बेसिस पे होता है, क्यों? क्योंकि एक साल पहले क्या हुआ था उससे कंपैरिजन करेंगे, ना कि क्वार्टरली, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे बहुत सारी चीजें चेंज होती हुई नजर आती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे बात करें कंपनी की सेल्स यहाँ पर कुछ खास नहीं थी, फिर धीरे धीरे बढ़ी और अभी 2022 में 148 करोड़ की सेल्स है, जिसमें 23 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 16% का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और कंपनी जो लगातार घाटे में चल रही थी, पहली बार 2022 में, पहली बार तो नहीं कहूंगा, 2007 में 1 करोड़ का, और इस बार लगभग 6 करोड़ रुपए का पहली बार यहाँ पर इसने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जनरेट किया है पिछले 11-12 सालों में, तो एक पॉजिटिव थिंग है। इसके अलावा रिजर्व्स की बात करें, 33 करोड़ का रिजर्व से बोरिंग 68 करोड़ रुपए के आसपास की है, और यहाँ पर कैश की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 6 करोड़ 80 लाख का यहाँ पर कैश भी पड़ा हुआ है। और यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर देखिए 55.3% की है, जो कि यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ी सी मामूली 27% के आसपास की कम हुई है। DII इसमें है नहीं। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास 44.56% की होल्डिंग है, बट इसमें बड़े बड़े नाम मौजूद है जिसमें के पास 4.16, 1.59, 1.47, 1.77, 1.39% की होल्डिंग है इनके पास नजर आती है। तो थोड़ी बहुत होल्डिंग पब्लिक के पास है और छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप में याद रखिए ऑपरेटर एक्टिव रहते हैं, जब ऑपरेटर एक्टिव रहते हैं तो शेयर इसी तरीके से अपर सर्किट में भागता है। तो यहाँ पर ऑपरेटर एक्टिव रहते हैं, अच्छे रिजल्ट है, एवरीथिंग इज गुड। तो यहाँ पर अब चार्ट से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। सबसे पहले सपोर्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है, क्योंकि यहीं पर ही ये इससे पहले रुका था, यहाँ पर भी रुकता हुआ नजर आया था, यहाँ पर भी रुकता हुआ नजर आया था, अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पर शेयर नीचे गया, फिर यहाँ पर इसी से कैंडल से ऊपर की तरफ मुड़ता हुआ नजर आया, तो एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है। बट इससे बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है ये 57.50 रुपीज का, जो ये सपोर्ट दिखाई देता है, एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ, 57.5 पैसे का यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है, 57.50 रुपए का सपोर्ट यहाँ पर सबसे अच्छा है। शेयर चल रहा है 64 रुपए पे, तो आपको 7 रुपए की डाउनसाइड दिखाई दे रही है। बस अपसाइड की बात करूँ तो अपसाइड मुझे यहाँ पर अच्छी खासी नजर आती है, शॉर्ट टर्म में बात करूँ तो 71.75, और उसके बाद बात करूँ तो लगभग मुझे 101 रुपए तक शेयर दिखाई देता है, और ओवरऑल बात करूँ तो 61 और 62% का यहाँ पर टारगेट 61 से 62 रुपए का यहाँ पर दिखाई देता है सीधे पर टारगेट, यहाँ पर देखें तो 61 से 62% का यहाँ पर टारगेट दिखाई देता है। तो सपोर्ट
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पर दिखाई देता है। और शेयर ने ऑलरेडी एक बेहतरीन रैली कर चुका है, बट जब भी रैली करता है नीचे ऊपर जाता है, ऊपर जाके नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो इसी तरीके से ये शेयर काम करता है, बट जब जब अच्छे रिजल्ट इसने पेश करे, रिजल्ट आपके सामने रख दिए, जब तक मार्जिन अच्छा रहेगा कंपनी का, कंपनी ऊपर की तरफ जाती रहेगी, थोड़ा सा टाइम लेगी। अभी रिजल्ट आए हैं, कल ही इसके रिजल्ट आए थे, और इसी तरीके से कंपनी के रिजल्ट आते रहते हैं। तो मैंने आज की डेट में इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया था, ओके। उसके बाद चीज़ें ऊपर भी गई है, और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर एक सपोर्ट लेके, यहाँ पर देखिए इसी चीज़ का सपोर्ट लेके आज की डेट में जो कैंडल है ऊपर जाती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट मुझे दिखाई देता है, इसके बाद नीचे जाएगा तो ये, अगर इसके नीचे जाता है तो चीज़ और बेकार हो सकती है, बट यहाँ पर रिजल्ट अच्छे है तो यहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकता है जब तक IT के स्टॉक ऊपर ना जाए। बट जैसे ही ऊपर जाना शुरू करेगा तो सबसे पहला टारगेट यहाँ पर रेजिस्टेंस के बेसिस पे, जो यहाँ पर इसे रेजिस्ट करेगा, जो यहाँ पर इसे रोकेगा, ओके, कोशिश करेगा ऊपर ना जाए, तो यहाँ पर 71.55 का। बट जैसे ही ये इस लेवल को तोड़ेगा तो इसके बाद 75, इसके बाद यहाँ पर 86, फिर इसके बाद यहाँ पर 94 और लास्ट में यहाँ पर इस लेवल पे जाएगा। तो इस लेवल के बाद अगर और अच्छे रिजल्ट आते हैं तो शायद ऑपरेटर और एक्टिव हुए, मेहरबान हुए, तो इस लेवल को भी क्रॉस करके और भी अच्छे रिटर्न देके हमें जा सकता है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सारी चीजें आपके सामने परोस दी है, आपको फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स एज वेल एज कंपनी के बारे में जानकारी, चार्ट से रिलेटेड सपोर्ट रेजिस्टेंस सब चीज आपको दिखा दिया है, ओके। इस कैंडल को भी ऊपर करेगा तो यहाँ पर जाएगा, इसके क्रॉस किया तो एक एक करके बच्चों की तरह सब समझा दिया है, ओके, और सबसे बेहतरीन तरीके से समझाया। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया है सब चीज, तो यहाँ पर इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, वीडियो को भी लाइक करें और दूसरे वीडियोज को जाके देखिए। इसी तरीके से सारी चीजें सब स्टॉक में आपको समझा रखिए कि क्यों स्टॉक को लेने के पीछे रीजन है, और एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, गिरावट के बाद अच्छे रिजल्ट, एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर एक दो महीने का हो चुका है, जब चीजें ऊपर जाएगी तो यहाँ पर सीधे रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, और हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।